हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने भीए सर अड्डा पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आज टीचर्स डे है तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और शुरुआत करने से पहले आज जो कि शिक्षक दिवस है उस पे दो तीन चीजें मैं बोल देना चाहता हूँ। तो शुरुआत करने से पहले, जैसे हम गुरु हो गए, भगवान हो गए, माता पिता हो गए, पहले उनको याद करते हैं। तो एक बार याद करते हुए आज हम सेशन का शुरुआत करेंगे। तो बहुत अच्छा मंत्र है, मंत्र का आप भी उच्चारण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो सभी गुरुओं को मैं वंदन करता हूँ। आज आप भी, आज जो भी आपने शिक्षा दीक्षा दी है, आज वही शिक्षा दीक्षा को मैं आने वाला जनरेशन को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। आज तक जो कुछ भी सिखाए उन सभी शिक्षकों को मैं चरण वंदन तथा शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल सवाल से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे जो फर्स्ट सवाल है ये है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे जो छोटा ओशन है, सबसे छोटा ओशन कौन सा है। तो बिफोर डिस्कसिंग थिंग स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे पहले जान लेते हैं कि ओशन होता क्या है, ठीक है। तब हम ओशन कितने प्रकार का है और ओशन जो है उसमें से क्या क्या उसका काम है तो देखेंगे। देखो, ओशन जो है टोटल, आप ओशन क्या होता है, ओशन बोले तो एक तरह से समुद्र, जैसे ओशन बोले तो क्या एक समुद्र है ये, ठीक है। क्या ये समुद्र है, इसमें अंतर क्या होता है। नॉर्मल जैसे आप तालाब देखते हो, नदी देखते हो, समुद्र में क्या अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी वाटर एंड आपका रिवर वाटर, तो आप यही बताओगे कि सर जो सी वाटर होता है उसमें क्या रहता है, साल्ट रहता है, यही फर्क है। जो मेन मोटो क्या ये साल्ट है। जो सी वाटर होता है क्या तो नमकीन होता है, जो रिवर वाटर होता है नॉर्मल क्या होता है, या तो मीठा होता है या तो वो दूसरे तरह का होता है। तो इसमें जो ओशन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है, नमक का मात्रा रहता है। और जो ओशन है आपका ये पूरे वर्ल्ड में जो आपका नमकीन पानी है आपका 20.8% ओशन, जो पूरे वर्ल्ड में जो देख रहे हो जितना वर्ल्ड का जो ओशन है उसमें 20.8% जो है आपका जल जो है क्या है, पूरा पूरा ये क्या है, ये आपका ये साल्ट वाटर है। अगर आपसे पूछेगा बताओ ओशन जो है पूरे अर्थ को कितना कवर करता है, तो पूरे अर्थ पे साल्टी वाटर कवर करता है 20.8%। अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ कि पूरे ओशन पूरे वर्ल्ड को कितना कवर करता है, तो सर ये पूरे अर्थ जो है उसको कवर करता है 97%। वो कौन कवर करता है, ये ओशन करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या था कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे जो छोटा ओशन है वो क्या है आपका, वो है आपका आर्टिक ओशन। कौन सा है, ये आर्टिक ओशन है। अब आपसे पूछे बताओ कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ओशंस, तो टोटल नंबर ऑफ ओशन कितना है, 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये यूएसए को 1886 में कौन सा कंट्री था जो दिया था, तो सर ये कोई और कंट्री नहीं बल्कि कौन था, ये फ्रांस था। अब आपसे सवाल पूछेगा बताओ कि ये फ्रांस क्यों दिया था, तो मैं बता दूं आपका इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आप जान लो कि इसमें क्या था कि वहां पे अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था। क्या चल रहा था, अमेरिकन रिवोल्यूशन, क्या चल रहा था, अमेरिकन रिवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। उस टाइम फ्रांस के लोग, कहाँ के लोग, फ्रांस के लोग एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में क्या बना रहे, अच्छा अलायंस बना रहे, अलायंस बना था। इस उस टाइम क्या क्या था, फ्रांस वाले लोगों ने यूएसए वाले लोगों को क्या दिया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया था। पूछेगा कब दिया था, तो 1886 में दिया था। किस टाइम पे दिया था, तो जब अमेरिका रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम दिया था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। जो डेड सी है, काला सागर, जो काला सागर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन दो कंट्री के बीच में। भाई जैसे दो कंट्री आ रहा है इसका मतलब है कि भैया बाउंड्री शेयर करता होगा, एक कंट्री इधर होगा एक कंट्री इधर होगा, ठीक है। तो बताओ कि ये जो डेड सी है, ये जो आपका डेड सी है, ये मान के चलो कि डेड सी है, ठीक है, ये क्या है, डेड सी है, ठीक है, ये आपका डेड सी है। तो बताओ कि ये दो कंट्री जो है, दो कंट्री इसके बगल में कौन कौन सा है, थोड़ा तो बहुत आप भी दिमाग लगाओ। तो साहब ये जो है आपका जॉर्डन एंड इजराइल, ये कौन सा कंट्री है, जॉर्डन एंड इजराइल, ठीक है। और इसको जो आप देख रहे होगे जॉर्डन एंड इजराइल जो है आपका डेड सी के बारे में बोला जाता है, ये जो डेड सी है आपका डेड सी को ये इतना लोवेस्ट होता है कि इसमें ये बोला जाता है कि ये
लोवेस्ट नेचुरल हेल्थ स्पा इन द वर्ल्ड, इसका नाम भी है। अगर कोई पूछेगा कि डेट्स सी को और क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर लोवेस्ट नेचुरल हेल्थ स्पा इन द वर्ल्ड, इसको क्या है, लोवेस्ट नेचुरल हेल्थ स्पा इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ओशन बर्मुडा ट्रायंगल रीजन इज लोकेटेड। देखो ये बहुत कितना भाई फेमस, बर्मुडा ट्रायंगल का नाम आते ही सीधे एकदम दिमाग में आता है भाई बर्मुडा ट्रायंगल। तो आप इसका स्टोरी भी आप सुने होंगे। तो बर्मुडा ट्रायंगल में क्या है कि ऐसा ये क्या मिस्ट्री है, क्या है ये मिस्ट्री है, रहस्य बना हुआ है कि मान ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है, यहाँ से कोई भी या तो समुद्री जहाज या तो एरोप्लेन, कुछ भी, या तो एरोप्लेन हो गया हो या समुद्री जहाज हो, कुछ भी यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है। अगर इसके ऊपर से भी अगर कोई एयरक्राफ्ट निकली या इसके बगल से अगर कोई पोर्ट निकली, तो क्या होता है, यहाँ पे ये गायब हो जाता है बरमूडा ट्रायंगल। तब बताइए कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल जहां सब चीज गायब हो जा रहा है, बताइए वो कहाँ पे है। तो सर जो बरमूडा ट्रायंगल है वो कहीं और नहीं बल्कि ये अटलांटिक ओशन में है। कहाँ पे है ये, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, समझ गए कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि कोई भी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। अब देखो क्या इस पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहा है कि यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आखिर यहाँ पे है ऐसा क्या है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ये इस पे रिसर्च चल रहा है, तब आएगा, जब देखो अगर आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आएगा तो क्या हमारे आने वाला अगला जनरेशन जान जाएगा भाई जो रहस्य था उसका क्या पर्दाफाश हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोपा। आज देखो जितना जो क्वेश्चन है आज एकदम दमदार दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा कंट्री है जिसको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोला जाता है, कौन सा कंट्री है जिसको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कोई और कंट्री नहीं बल्कि वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, वो कौन सा कंट्री है, वो स्विट्जरलैंड है, समझिए रहो, स्विट्जरलैंड जिसको बोला जाता है कि जमीन पे जो है पृथ्वी का ये क्या है, स्वर्ग है। ठीक है, यहाँ लोग हनीमून भी मनाने जाते हैं, बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, तुम भी जाना, अभी पढ़ लो फिर कुछ कर लोगे फिर अपना चले जाना। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये इसलिए क्योंकि देखो इसमें क्या है, लोग बोलता है प्ले ग्राउंड रोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो इसमें क्या है, जो इसके साउथ में आल्प्स है, इसके साउथ में कौन सा है, आल्प्स है, पर्वत सुने होंगे आल्प्स पर्वत, और इसके जो नॉर्थ वेस्ट में है, किसमें, नॉर्थ वेस्ट में है, वो है आपका जूरा, कौन सा है, जूरा। ठीक है, यही दोनों की वजह से ये क्या है आपका जो स्विट्जरलैंड है ये प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखो यार आज इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, टीचर डे का अवसर पे आ रहा है, मजा आ रहा है। आज वो टीचर डे में भी आज पढ़ाने मजा आ रहा है, क्योंकि आज हम सोचे थे कि नहीं यार आज क्लास नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मेरे को मजा आया। ठीक है, तो देखो वो कौन सा कंट्री है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, बताइए। तो सर जो जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है किसको बोला जाता है, तो सर वो कोई और कंट्री नहीं बल्कि जापान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ। ऐसा लगता है ना, देखिए देखो ये क्यों है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे भाई क्यों है, तो जो जापान है, जापान है ठीक है, वो क्या है, जैसे ऐसा माना जाता है कि जो चाइना वाले लोग हैं, कौन है ये, चाइना वाले लोग हैं, वो अगर चाइना से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो सूर्य है वो जापान से ही राइज हो रहा है, मतलब उग रहा है। जब चाइना से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सूर्य क्या हो रहा है, उग रहा है, ये चाइना वाला की तरफ से। दूसरा क्या है, ये क्लोज टू वेयर राइन सन राइजेस, ये कहाँ पे है, जो जापान है जहाँ पे सूर्य उगता मान के चलोगे, होरिजिन है यहाँ से सूर्य अगर उग रहा है तो इसके नियरेस्ट में कौन है, ये जापान है, कौन है ये, जापान है, ओरिजिन के बगल में, इसलिए लगता है कि क्या है ये सूर्य यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और जापान वालों का क्या माना जाता है, जापान वाले इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, निप्पोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निप्पोन। अब आपके मन में चला होगा सर निपुण क्या है, तो निपुण या इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ सन रेज, इसको क्या बोलते हैं, निपुण को जो जापान वाले लोग निपुण बोलते हैं, निपुण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको क्या मानते हैं, वो सोर्स ऑफ सन रेज, जो सूर्य से जितनी भी किरणें आ रही है उसका जो मेन जो स्रोत है वो कौन है, सूर्य है, उसी को लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलता है इसको, ये निपुण बोलते हैं। जो अब आज जो हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन बोल रहे हैं इसी को क्या बोलते थे लोग, निपुण बोलते थे।
ठीक है, इसको क्या बोलते थे? निपोन बोलते। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। देख रहा आज यार, गजब गजब क्वेश्चन आ रहा। वो कौन सा कंट्री है जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं, बताइए। तो थंडरबोल्ट से दिमाग में डाल देना, जहां पे थंडरस्टॉर्म ज्यादा होता है। थंडरस्टॉर्म जहां पे बोलते हैं ना बिजली कड़कना, बिजली कड़कना बोलते हैं ना, वही थंडरबोल्ट है। तो वो कौन सा कंट्री है जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, मतलब जहां सबसे ज्यादा थंडरबोल्ट आता है। तो जो कोई और कंट्री नहीं बल्कि कौन है वो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो सर वो है आपका भूटान। कौन सा है वो? भूटान है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछेगा ऐसा क्या है। तो देखो भूटान वाले क्या मानते हैं कि इसको दूसरा नाम है। देखो ये जो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट है, यहीं पे एक और सवाल आ जाएगा। देखो इसका भी दूसरा नाम है, और क्या है ये? थंडर ऑफ ड्रैगन लैंड। थंडर ऑफ ड्रैगन लैंड इसका दूसरा नाम क्या है? जो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट है इसको दूसरा नाम भी क्या है? थंडर ऑफ ड्रैगन लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? थंडर ऑफ ड्रैगन लैंड। ठीक है, इसमें लोग ये मानते हैं कि जैसे ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन ड्रैगन, तो ड्रैगन मुंह से क्या फेंकता है? आग फेंकता है। ठीक है, ये क्या फेंकता है? ये आइए मान लीजिए, उतना बढ़िया मेरा पिक्चर मान लेना कि क्या ये ड्रैगन है। तो ये क्या फेंक रहा? मुंह से आग फेंक रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसा मानना जाता है कि जो जो आपका ड्रैगन होता है उसके मुंह से क्या निकल रहा? आग निकल रहा। उसी को लोग क्या मानना है कि ऐसा थंडर है? भूटान वालों का मानना, आप मत मानना। ठीक है, ऐसा भूटान वालों का मानना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? विच कंटिनेंट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्री? वो कौन सा कंटिनेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्री है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं बहुत आसान है। कौन सा कंट्री है? तो सर वो कोई और कंट्री बल्कि ये अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप पूछेगा बल्कि बताओ सर इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है? तो सर टोटल नंबर ऑफ 54 कंट्री है। कितना कंट्री है टोटल? 54। ठीक है, और इसमें क्या है? ये आपका 15% पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 15% यहाँ पे रहता है जनता। ठीक है, कहाँ पे? आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, चलो ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये अगर आपसे पूछेगा रेफर करने के लिए, तो जो 2009 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2009 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये जो है आपका वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता था, ये 50 जो आपका कंटिनेंट है ये। इन विच कंट्री व्हाइट एलिफेंट इज फाउंड? तो सबको पता ही है, गुजला हाथी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाथी है, काला हाथी है, गुजला हाथी। ठीक है, जब रिम्स पोएम पढ़ते तो वहां भी हम लोग देखते थे काला हाथी उजला हाथी। तो उजला हाथी कहाँ से है बताओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगा। तो है सर कहाँ है वो? आइलैंड। कहाँ का? आइलैंड। अब देखो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो व्हाइट एलिफेंट है, ये जो आप देख रहे हो व्हाइट एलिफेंट, तो व्हाइट एलिफेंट किस चीज का द्योतक है? बोले तो किस, क्या सिंबल है व्हाइट एलिफेंट का? क्या सिंबल ऑफ, सिंबल ऑफ व्हाइट एलिफेंट? तो देखो क्या क्या सिंबल है इसका, व्हाइट एलिफेंट का। तो ये क्या है? सिंबल ऑफ वेल्थ। पहला क्या है? वेल्थ, सुखी संपन्न, धन संपन्न एकदम। ठीक है, वेल्थ जिसको धन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका गुड फॉर्चून। दूसरा क्या है? गुड फॉर्चून। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है? तीसरा है आपका पावर। तीसरा क्या है आपका? पावर। अब पूछेगा कि बताओगे भाई जो व्हाइट एलिफेंट कहाँ पाया जाता है? तो थाईलैंड में पाया जाता है। व्हाइट एलिफेंट किस चीज का सिंबल है, क्या इसे प्रतीत होता है? तो सर वेल्थ का प्रतीत है। दूसरा गुड फॉर्चून का, अच्छी किस्मत। तीसरा पावर, शक्ति, सत्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितना नंबर ऑफ ओशन है बताओ? कितना नंबर ऑफ ओशन है? तो सर टोटल ओशन नंबर कितना है ये? 5 है। कितना है? टोटल 5। टोटल नंबर ऑफ ओशन इन द वर्ल्ड कितना है? 5 है। अब इसमें पूछ देगा कौन कौन सा है, तो चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला कौन सा है आपका? पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन। दूसरा अटलांटिक ओशन। ठीक है, तीसरा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। चौथा आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन। पांचवा ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, टोटल कितना है? 5। ठीक, चलो नेक्स्ट। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? वो कौन सा कंट्री है जिसको बोला जाता है
लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। और देख रहे हो आज, देखो आज का सेशन तो बिल्कुल मिस मत करना, जो अभी देख रहे हो या फिर जो आगे देखोगे, क्योंकि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, ठीक है। इसमें से पक्का एक दो तो आना ही आना तय रहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, कौन सा है? तो सर वो कोई और नहीं बल्कि वो फिनलैंड है, फिनलैंड ही है। कौन सा ये? फिनलैंड, फिनलैंड ये किस, इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? तो देख लो भैया यहाँ पे क्या है, 1,68,000 यहाँ पे क्या है, लेक्स है, छोटे मोटे बड़े बड़े सारे 1,68,000 लेक्स है फिनलैंड में, ठीक है। और 1,79,000 ये आपका क्या, आइसलैंड है, आइलैंड है, ठीक है। कितना पूछेगा? 1,68,000 क्या है, लेक्स है, और 1,79,000 आईलैंड है। तो आप समझ गए कि फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स क्यों बोला गया, क्यों? क्योंकि वहां पे 1,68,000 लेक्स है और 1,79,000 क्या है, आईलैंड, ठीक। चलो नेक्स्ट, इन विच ईयर हांगकांग बिकेम अ पार्ट ऑफ चाइना आफ्टर ब्रिटिश रूल, वो कौन सा ईयर है जिस टाइम हांगकांग जो है वो चाइना का एक पार्ट बन गया, बताइए। ये बहुत रिसेंट का है और मैं बता दूं ये ज्यादा दिन का ही नहीं है, मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है आपका 2 मई 1997, मेरा ही जन्मदिन था, जन्मदिन के टाइम ही ये क्या हुआ है, हांगकांग पार्ट ऑफ चाइना का बना है 1997 में ही बना है। इसका क्या सीन था जो मैं आपको स्टोरी बता दूं, इसमें था कि 1 जुलाई 1997 से ये क्या है, ये आपका ये पहले किसके हाथ में था, यूनाइटेड किंगडम, जिसको कि ब्रिटिश आप बोलते हो, अंग्रेज, अंग्रेजों के हाथों में था 1997 से पहले तक, ये क्या था, अंग्रेजों के हाथ में था। फिर अंग्रेजों ने इसको क्या किया, हैंड ओवर कर दिया। किसको हैंड ओवर कर दिया? तो ये हैंड ओवर कर दिया सर चाइना को। किसको कर दिया? चाइना। कब किया? तो 1 जुलाई 1997 को किया, ठीक है। चलो, और इसमें से सवाल पूछेगा, बताओ कि भाई हांगकांग ब्रिटिश के अधीन कितने दिन रहा था? तो 156 ईयर्स, 156 ईयर्स, 156 साल की गुलामी करी है हांगकांग ने, ठीक है। कितने साल की? 156 ईयर्स की, ठीक है। और यहाँ पे एक और सवाल आता है, आप बताइए कि क्या हांगकांग चाइना का पार्ट है? तो मैं बोल रहा हूँ आज मेरा लिखा हुआ सुन लो, कि हांगकांग इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इसको SAR बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? SAR, स्पेशल स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है। ये क्या है आपका? SAR है, SAR है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आता है। जैसे आपका हांगकांग हो गया, और साथ ही साथ मकाओ, मकाओ भी क्या है, ये SAR रीजन में ही आता है, ठीक है। मकाओ भी क्या है, ये SAR में ही आता है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, इट्स ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, ये सारे बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, कब चाइना को हैंड ओवर किया था? तो 1997, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड सिविलियन एयरपोर्ट। अब बताइए कि पूरे दुनिया में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सिविल एयरपोर्ट, यहाँ पे फाइटर नहीं बोला, या फिर आपका यहाँ पे कोई मतलब कि डिफेंस का नहीं बोला है, सिविल एयरपोर्ट जो सबसे ऊंचाई पे बना, कहाँ बना है बताइए, दिमाग लगाओ। चाइना भी ऊंचाई पे है, चाइना भी देखो ऊंचाई पे है, लेह भी ऊंचाई पे है, अब बताओ इनमें से कौन सा होगा? तो सर वो कोई और नहीं बल्कि ये दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट चाइना है। ये कौन सा, याद रखना, दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट चाइना, ठीक है। कौन सा ये? दाओचेंग चाइना, ठीक है। इसमें क्या था, देखो इसमें क्या, इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये अगर आपसे पूछेगा कौन है, तो सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना, ये कौन सा रीजन में आता है, ये सिचुआन, सिचुआन ये चाइना का ही पार्ट है, ये सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना। अब पूछेगा कि चाइना में किधर है, जो दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट है चाइना का, जो सबसे ऊंचाई पे है पूरे वर्ल्ड में, वो बताइए कहाँ पे है? तो सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना में है, ठीक है, ये उसके रीजन में आता है। और सर ये कितने ऊंचाई पे है? तो सर ये 4,411 मीटर, कितना? 4,411 मीटर, 4 4 1 1, याद करने का सबसे सिंपल सर तरीका,
चार चार एक एक, चार चार एक एक, इतना ऊंचाई पे, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट ले, ये देखो अभी आप सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये जो देख रहे हो, ये आपका पूरे वर्ल्ड का, ये कहाँ है आपको बता दूं, ये लेह में है। ये कहाँ है आपका, लेह JNK में है, कहाँ, ये इंडिया में है। ये वर्ल्ड का 22वां सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे बना हुआ है, ऊंचाई पे बना हुआ है, ठीक है। अपना जो इंडिया में जो है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट जो लेह में बना हुआ है, ये आपका वर्ल्ड का 22वां हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे बना हुआ है। अब पूछेगा बताओ इसका कितना, मतलब कि ये क्या बोलते हैं हाइट पे है, तो ये 3256, कितना 3256 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। कितना ऊंचाई पे है ये, 3256 मीटर पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे घना जहां बहुत ज्यादा बारिश होता होगा, कौन सा फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो सर सामने ही दिख रहा हो कोई और नहीं बल्कि ये आपका अमेजन है। ये कौन सा है, ये अमेजन। अमेजन का तो भाई नाम सुनते ही आप लोगों को लगता होगा भाई, अभी हाल फिलहाल में पता ना जो अमेजन रिवर, जो अमेजन जो है वहां आग लगा था जंगल में, समझ रहे हो ना। तो अमेजन क्या है, अमेजन, अब इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। अमेजन जो वर्ल्ड का सबसे घना जंगल जो बोला जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे घना है, और सेकेंड नंबर पे कौन सा है, ये कॉन्गो बेसिन के पास है। ये पता है आपको, थ्री टाइम्स बड़ा है किससे, कॉन्गो बेसिन से, इससे बड़ा है कॉन्गो बेसिन, समझ रहे हो ना कितना बड़ा है कॉन्गो बेसिन, उसका 3 गुना ज्यादा बड़ा अमेजन है, समझ रहे हो कितना, अमेजन उससे भी 3 गुना, जो कि ये वर्ल्ड का सेकेंड, जो कॉन्गो बेसिन जो देख रहे हो ना, ये वर्ल्ड का सेकेंड आता है भाई, सेकेंड नंबर पे आता है, ये सबसे घना फॉरेस्ट में आता है, उसका ये 3 गुना है अमेजन, समझ लो कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑफ रेन फॉरेस्ट कौन सा है, ये आपका अमेजन। आप पूछ देगा इंडिया का बताओ, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन है, जैसे वो तो वर्ल्ड का था, इंडिया का पूछ देगा तो कौन है, तो सर इंडिया का है ये आपका अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। इंडिया का कौन सा है ये, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सर 2200 वैरायटी ऑफ ट्रीज है, इसमें 2200 वैरायटी ऑफ ट्रीज है, हमें ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में, समझ रहे हो ये। चलो ठीक है, ये हो गया और आपका अंडमान निकोबार, हाँ। अब यहाँ इसका देखो एक पूछेगा इसमें कि बताओ, तो अंडमान निकोबार जो है आपका सर, ये यहाँ पे 2000 mm के रफ्तार से यहाँ पे क्या होती है, थ्रू आउट बारिश होते रहती है, 2000 mm, समझ रहे हो ना, 2000 mm, 2000 mm के रफ्तार से अंडमान निकोबार में यहाँ पे बारिश होते रहती है, ठीक है। चलो विच वन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे विच वन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सा है, तो सर सबको पता हो कोई नहीं बल्कि क्या है, ये आपका एंडीज है। कौन सा है ये, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल पूछा है, एंडीज होगा, दिमाग लगाना यहाँ पे, देखो तो लिख दिया, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, ठीक है। तो कौन सा आपका एंडीज है, ठीक है। एंडीज, एंडीज कहाँ है सर, तो सर है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न। चलो एंडीज के बारे में देखते हैं, तो सर ये एंडीज है कहाँ, तो सर है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, साउथ अमेरिका के किस में है, ये वेस्टर्न साइड में, ठीक है। चलो साउथ अमेरिका क्या है, इसका लेंथ क्या है सर, तो सर इसका लेंथ है 7600 किलोमीटर, इसका लेंथ है सर। और इसका बता देता हूँ सबसे जो नेक्स्ट है, इसका दो जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, ये आपका क्या है, ये इतना बड़ा है सर, बता रहा हूँ इसका एरिया, कि ये कोलंबिया, कहाँ से, कोलंबिया से लेके चिल तक ये फैला हुआ, इतना बड़ा एंडीज माउंटेन है ना, कि ये पता है आपको, ये 7 कंट्रीज को टच करता है, जो एंडीज जो माउंटेन है ये कितना है, ये 7 कंट्री को ये टच करता है, ठीक है। इसका जो लेंथ है 7600 है, ये कहाँ से कहाँ, तो सर कोलंबिया से लेके सील तक ये टच करता है, ठीक है। तो इसका ये 7000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जो आप देख रहे हो ना, ये 7000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, फ्रॉम कोलंबिया टू चिल तक, ठीक है। और इसका जो पूछेगा कि सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा, तो एकोन
सुनो ना, अरे यार एकोन कागुआ, देखो ये एकोन कागुआ ये कहाँ है आपका सर? ये अर्जेंटीना में है। कहाँ? ये अर्जेंटीना में है। इसका जो हाइट है वो आपका 6972 मीटर है, ठीक है। एकोन कागुया ये वाला, ये कौन सा? एकोन कागुया जो है ये आपका कहाँ है सर? ये आपका अर्जेंटीना में है। इसका हाइएस्ट जो है वो 6972 मीटर, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट आखिरी सवाल था, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द वीक जो हम पूरे वीक में पढ़े थे। तो देखो क्या था, पढ़ाए दूसरी बार रिवाइज करें एक तरह से, कि जो जो आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनॉगरेटेड उत्केला एयरपोर्ट उड़ीसा ऑन 31 अगस्त 2003, 31 अगस्त 2003 को ज्योतिरादित्य जो है वो आपका उत्केला एयरपोर्ट का इनॉगरेशन किए थे। कहाँ? ओडिशा में। तो इसके इनॉगरेट करने के साथ ही अभी जो आपका टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट है ओडिशा में कितना हो गया है? 5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया है? 5 हो गया। अब देखते हैं, मनीष देसाई इज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अभी जो पीआईबी है आपका, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसका जो अभी नए जो आपका प्रिंसिपल डायरेक्टर बने हो, कौन बने हैं? तो सर वो बने हैं मनीष देसाई बने, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी गॉट द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन सितंबर 1, 2023। 1 सितंबर 2023 को एनसीईआरटी को कौन सा स्टेटस मिला है? तो ये सर डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। क्या मिला है? क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, कब मिला है? तो 1 सितंबर 2023 को मिला है। क्या मिला है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का मिला है। किसको मिला है? तो सर एनसीईआरटी को मिला। देख रो, एक ही सवाल में, एक ही लाइन में तीन तीन क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कि थारामन शानमुग रत्नम टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर टेकिंग चार्ज फ्रॉम 14 सितंबर 2023। ये देखो, ये सिंगापुर के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये सर ये इंडियन ओरिजिन के हैं, बात दिमाग में लगा देना, ये इंडियन ओरिजिन के हैं ये थारमन, ठीक है। ये अभी नए चुने गए हैं, सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपका 14 सितंबर से चार्ज टेक ओवर करेंगे। और नेक्स्ट, अभी जो हाल फिलहाल में जो बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ने चंद्रयान 3 के साथ साथ अभी जो आपका सन की तरफ भेजने के लिए अभी क्या किया है, द न्यू सोलर मिशन ऑफ इसरो आदित्य 11। कौन सा? आदित्य 11। आदित्य 11 वाज लॉन्च फ्रॉम सितंबर 2, 2023। यहाँ देखो इसमें सवाल क्या क्या है। सवाल ये आता है कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है हाल में मिशन जो सोलर मिशन है तो लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम क्या है? तो सर आदित्य 11 है। कब लॉन्च किया है? तो सर 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो सर इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है। अब सवाल आ जाएगा कि बताइए चंद्रयान 2 कब लैंड करी थी? तो सर वो 23 कब लैंड करी थी बताओ? चलो ये आपके लिए सवाल है, चलो ठीक है। अरे 23 अगस्त 2023 को 6:04 में शाम को लैंड किया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गॉट द नवरत्न स्टेटस। जो नवरत्न का स्टेटस दिया गया किसको दिया गया है? आपका ये राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को दिया गया, ठीक है। अब फाइनली जो लास्ट है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जीवन का हर मुकाम मिल जाता है, परिंदों को आसमान मिल जाता है। जीवन का हर मुकाम मिल जाता है, परिंदों को आसमान मिल जाता है। गुरु की कृपा अगर बनी रहे, गुरु की कृपा अगर बनी रहे तो मुट्ठी में सारा जहान मिल जाता है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिंदगी में इसी तरह तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और कहीं भी जिंदगी में जरूरत पड़े गुरु का जरूर याद करेगा। पूरी VSR अड्डा की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलते हैं।